अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ऑरेंज शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम 12 प्रो मैक्स के बारे में हर उस चीज़ की बात करेंगे जिसको कि आप जानना चाहते हैं, एंड स्पेशली इन द व्यू कि मैं ऑलरेडी अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स को आई थिंक आई हैव यूज्ड इट एनफ एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गिव यू अ वेरी फेयर अनबायस्ड एंड अ ट्रू ओपिनियन अबाउट द 12 प्रो मैक्स। सो लेट्स स्टार्ट Talking about the iPhone 12 Pro Max, आप लोगों को ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन सबको पता है, सो देर इज नो नीड टू गो इन टू ऑल ऑफ दोज डिटेल्स अगेन। एंड यू गाइज ऑलरेडी नो दैट एप्पल इज नॉट शिपिंग द चार्जर विद द बॉक्स एनी मोर। हेडफोन्स भी नहीं है, चार्जर भी नहीं है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। स्टिकर्स पहले दो आते थे, अब एक आता है। बट येस, द फोन इट सेल्फ आई एब्सोल्युटली लव इट, स्पेशली अगर आप एप्पल का आईफोन 4S, 5, 5S उस सीरीज को यूज कर चुके हैं और उसके फ्लैट बेजल्स को और डायमंड कट को देख चुके हैं, तो आई थिंक दिस इज द फोन जो कि आपको शायद वापस थोड़ा बहुत उस जमाने की याद दिला देगा, समथिंग लाइक दैट। डायमंड कट तो इसके ऊपर नहीं है जो कि उन आईफोन्स के ऊपर था, विच आई एब्सोल्युटली लव, बट स्टिल In my view, this form factor is much, much better than the previous one. इस form factor की अगर हम मज़ीद बात करें तो I think some people have complaints कि it is not that good and comfortable to hold in the hand. And yes, I would agree with them. But I love this form factor, so मुझे तो इससे कोई complaint ऐसी खास है नहीं। वैसे भी हम ज़्यादातर तो फ़ोन यूज़ करते हैं अपने केसिंग में डाल के, केसिंग पे ग्रिप ग्रिप तो ठीक हो जाती है यार। आई डोंट थिंक देर इज एनी इशू विद दैट। टॉकिंग फर्दर, द बैक फ्रॉस्टेड ग्लास अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद है ये। तहम अब एक बात याद रखिएगा कि बैक का ग्लास इज स्टिल अ ग्लास। फॉरवर्ड में उन्होंने वो क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं, बैक में नहीं यूज़ किए, और बैक अगर आपका ग्लास टूटेगा इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, बहुत महंगा है, क्वाइट एक्सपेंसिव। बैक ग्लास की बात हो रही है। वन मोर विजिबल चेंज दैट यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस फोन यानी कि 12 प्रो मैक्स और इस साल की बाकी 12 सीरीज की लाइनअप में, दैट इज गोइंग टू बी द कैमरा मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल आईफोन 12 प्रो से बड़ा है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि कैमरा सिस्टम डिफरेंट है। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली वो वाला सेंसर यूज किया है जो कि सेंसर मूव करता है, लेंस मूव नहीं करती। बाकी कैमराज के अंदर वो वाला सिस्टम है कि जिसमें लेंस मूव करती है, सेंसर मूव नहीं करता, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वीडियो, नॉट द केस इन दिस वन। तो डेफिनेटली दिस न्यू कैमरा सिस्टम रिक्वायर्ड मोर स्पेस, एंड दैट इज वाई दिस कैमरा सिस्टम इज ऑल्सो बिग। प्लस आपकी लेंसेज भी दूसरे फोन से बड़ी हैं और लेंसेज के आसपास के रिंग जो है वो भी दूसरों से बड़े हैं। बट द लाइडर्स के अंदर इट इज एब्सोल्युटली द सेम एज इन द अदर 12 सीरीज फोन्स। इफ यू टॉक ऑफ द फ्रंट ऑफ दिस फोन, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 12 सीरीज के बाकी फोन्स का है। आपको नॉच इसके ऊपर छोटी लगेगी जरूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉच छोटी है। बेसिकली कैमरे की स्क्रीन साइज बड़ी है, इसलिए आपको नॉच छोटी लगती है। एंड टॉकिंग ऑफ द स्क्रीन साइज, दिस इज द बिगेस्ट आईफोन स्क्रीन रियल एस्टेट दैट एप्पल हैज रिलीज्ड इन इयर्स, 6.7 इंचेस। आई थिंक लास्ट जो था 11 प्रो मैक्स मेरे पास जो था, दैट वाज 6.4 इंचेस, सो दिस इज बिगर देन दैट। और आप जब इसको हाथ में उठाते हैं तो आपको वाकई एहसास होता है कि इट इज बिगर। ऑल्दो एक और चीज़ मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके साइड के बेजल्स आईफोन 11 प्रो मैक्स से जस्ट ज़रा से थोड़े से छोटे हैं। और बेजल्स ज़रा से छोटे होने का मतलब ये है कि आप उसी केसिंग के अंदर एक बड़ी स्क्रीन साइज डाल सकते हैं, एंड सेकेंडली चूंकि साइड्स फ्लैट हैं तो आपको फ़ोन उतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन हकीकत में इसकी स्क्रीन आईफोन 11 प्रो मैक्स से बड़ी है। एंड ऑब्वियसली विद द बिग रियल एस्टेट कम्स द प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग द फोन विद वन हैंड। एक हाथ से हैंडल करना इसको ज़रा मुश्किल है, ऑब्वियसली इट इज़ डिफिकल्ट, आपको कई दफ़ा दूसरा हाथ इस्तेमाल करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वन मोर थिंग जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जब हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं, एंड दैट आई हैव नॉट सीन इन मेनी अदर रिव्यूज, इज द क्वालिटी ऑफ द ओलेड। आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव नोटिस्ड और नॉट, जिन लोगों के पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, बट आई फाइंड इट स्लाइटली बेटर। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इसका जो टेक्स्ट है दैट अपीयर्स वेरी क्रिस्प टू मी, द टेक्स्ट अपीयर्स मोर क्रिस्प इवन फ्रॉम 11 प्रो मैक्स एंड इवन द 12 प्रो। माई फ्रेंड हैज इट, मैंने कंपेयर किया, मुझे यार ज्यादा अच्छा लगता है। 12 प्रो मैक्स की बैटरी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज टू द 11 प्रो मैक्स ऑफ द लास्ट ईयर, लेकिन 11 प्रो मैक्स की बैटरी ज्यादा से चलती थी, ये बैटरी उतनी ज्यादा तो नहीं चलती, बट स्टिल फॉर मी इट इज मोर देन एनफ। आई हैव क्वाइट अ रीजनेबल यूसेज ऑफ द फोन एवरी डे। हर रोज इस फोन के ऊपर काफी सारी चीजें तो करनी पड़ती ही हैं, बट द बैटरी लास्ट लॉन्ग। मैंने देखा कि बैटरी ये है अच्छी चलती है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसकी बैटरी 11 प्रो मैक्स से कम इसलिए चलती है बिकॉज इट हैज गॉट लाइडर स्कैनर। 11 प्रो मैक्स में लाइडर स्कैनर नहीं था, इसके अंदर है। रेस्ट द चिप दैट हैज बीन यूज्ड इन द एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स इज A14 बायोनिक। I'm sure you guys have already heard about it and you guys already know about it. It is absolutely fast, so there's nothing to really talk about that.
परफॉर्मेंस ऑफ एप्पल्स आईफोन्स हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल इज टॉप नॉच। बाकी जहां तक बात रही 3D कंप्यूटेशन की, 3D गेमिंग की, 3D मैपिंग की, 3D एप्लीकेशंस की, आई एम नॉट मच इनटू देम, सो मेरे लिए लाइडार स्कैनर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट इन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि लाइडार स्कैनर जो है इट विल मेक अ रियली लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एज यू कैन सी इन दीज पोर्ट्रेट मोड फोटोग्राफ्स, ये मेरे पिछले आईफोन 11 प्रो मैक्स से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि लाइडार स्कैनर होने की वजह से शायद मुझे रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा। आई डोंट थिंक इट इज। इवन अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो लाइडार स्कैनर होने के बावजूद जो पिछले साहब खड़े हुए उनका बाजू फोन ने काट दिया है। Why? अब तो लाइडर स्कैनर है ना, यू कैन मेजर द डिस्टेंस, यू कैन इजीली ब्लर आउट कि अपने बैकग्राउंड को सब ब्लर आउट करना है। एंड फॉर व्हाट इट्स वर्थ, अगर हम ईमानदारी की बात करें तो फोन्स के कैमरा अभी तक तो मेरे ख्याल है कि इतना अच्छा बैकग्राउंड कैप्चर नहीं करते जितना कि आपका रियल DSLR और मिररलेस कैमरा करता है। दैट्स अ ट्रूथ। एंड येस, एट द सेम टाइम आई एडमिट दैट फोन्स कैमराज आर गेटिंग क्लोजर बेटर, बट आई थिंक दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। नाउ टॉकिंग फर्दर मोर अबाउट द कैमराज, आई थिंक शायद ये पहली सीरीज है कि जहाँ पे आपके टॉप ऑफ द लाइन फोन्स को एक बिल्कुल नया कैमरा सेटअप दिया गया है। एंड आई रियली वांटेड टू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस कैमरा सिस्टम एंड द प्रीवियस कैमरा सिस्टम्स। एप्पल क्लेम्स ऑलमोस्ट 50% मोर कैमरा साइज, कैमरा सेंसर साइज। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? नो। आई हैव सीन द सेम फोटोज दैट आई हैव टेकन फ्रॉम माय 11 प्रो मैक्स एंड आई हैव सीन द सेम फोटोज दैट आई हैव टेकन फ्रॉम माय 12 प्रो मैक्स, बट कैन आई स्पॉट अ डिफरेंस? No, I've kept them side by side और शायद डिफरेंस हो तो इतना माइनर होगा कि मुझे नहीं कोई खास पता लगा यार। देर इज वन थिंग जहां पे एप्पल के 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स के दरमियान में ठीक ठाक डिफरेंस है, दैट इज वीडियोग्राफी। अगर हम फोन के कैमराज की कैपेबिलिटी की बात करें ऑफ कैप्चरिंग द यू नो हाईलाइट्स एंड द शेडोज एंड द मिड टोन्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द सेम, दिस वन डज अ लिटिल बेटर जॉब, बट इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी इट्स अ स्टोरी अपार्ट। आई नो प्रीमियर प्रो कैन नॉट एडिट द डॉल्बी विजन वीडियो दैट इज टेकन फ्रॉम द आईफोन, लेकिन डाविंची रिजॉल्व और फाइनल कट ये दोनों अब डॉल्बी विजन की वीडियोज को एडिट कर सकते हैं। And oh boy, is there a difference? There's a lot of difference. आपको शायद YouTube के ऊपर ये डिफरेंस ज़्यादा नजर ना आए क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की, मैंने उसको कंप्रेस किया, फिर YouTube ने कंप्रेस किया, फिर वो आपकी स्क्रीन तक पहुंची और उसके बाद आपकी स्क्रीन कितनी कैपेबल है मुझे ये भी नहीं पता। बट इफ यू सी द वीडियोज ऑन अ बिगर मॉनिटर और ऑन द फोन इटसेल्फ तो आपको क्लियरली फर्क पता चलेगा। HDR वीडियोज यानी कि Dolby Vision वीडियोज और नॉन HDR वीडियोज यानी कि नॉन Dolby Vision वीडियोज, there's a difference. Talking furthermore about photography with these cameras, I've taken the photos with 0.5x, that is your wide camera, then 1x which is your normal camera, and then 2.5x which is your telephoto camera, jisko ke bhi tikiban 65mm ke equivalent Apple kehta hai. And the one difference that you're going to note is that 11 Pro Max ke andar kya tha ki aap apne wide camera se jab night mode mein photos lete the to wo zyada achhi nahi aati thi, noise kafi zyada aata tha. This camera has improved that noise and you can take the night photography with that 1x also, long exposure भी आपका 1x से भी हो जाता है, telephoto से भी हो जाता है, wide से भी हो जाता है, and I can see a little bit of difference, but it's not much. I have also shot the videos जो कि थोड़ी सी कम light में थी, and I have also shot the videos जो कि bright daylight में थी, and to me all of them seems okay, but low light has been one thing जो कि cameras का हमेशा से weak point रही है, and this time the iPhone 12 Pro Max, although इसके sensor थोड़े से बड़े हैं, although इसकी stabilization बेहतर है, although इसमें night mode उन्होंने improve ज़रूर किया है, there is a slight bit of improvement in the low light mode या night mode, but not much, not so much significant. और अगर हम हकीकत की बात करें तो iPhone 11 Pro Max भी and now this iPhone 12 Pro Max भी, अगर आप इनसे vlogging करना चाहें या आप इनसे यूजुअल वीडियोस बनाना चाहें या आप इनसे फोटोज लेना चाहें, फॉर ऑल ऑफ दोज टास्क दीज फोन्स आर गुड इनफ, दे आर गुड इनफ। लेकिन अगर आप प्रो फोटोग्राफी की बात करें और प्रो वीडियोग्राफी की बात करें तो एप्पल जितने मर्जी दावे कर ले फोन अभी तक एग्जैक्टली वहां पे नहीं पहुंचा। चाहे आप सैमसंग के पेरिस्कोप कैमरे की बात कर लें, चाहे आप Xiaomi के 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें, द फोन्स आर डूइंग ऑल द क्रेजी स्टफ दीज डेज, लेकिन क्या उनमें से कोई भी चीज़ इस काबिल है कि वो आपके इस तरह के मिररलेस कैमरास को और DSLR कैमरास को रिप्लेस कर सके? नॉट येट। कैमरा सिस्टम से अगर हम आगे बढ़ें एंड इफ वी टॉक अबाउट द साउंड फ्रॉम दिस फोन, देन द साउंड फ्रॉम दिस फोन इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज मोर रिच, इट इज मोर डीप एंड इट इज रियली अ डिलाइट टू लिसन टू द साउंड फ्रॉम दी स्पीकर्स। मैं ओवरस्टेट नहीं करना चाह रहा इस बात को, लेकिन एक फोन के स्पीकर्स इतनी रिच साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, that is amazing, that is awesome.
इससे पहले हमने डिफरेंट रिव्यूज को देखा है एंड दे हैव सेड कि दे हैव नॉट फाइंड एनीथिंग सिग्निफिकेंट और डिफरेंट इन द सिरेमिक शील्ड। तो यार मैंने तो सिरेमिक शील्ड पे ज्यादा तजर्बे किए नहीं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर, दैट इज हाउ आई यूज माई फोन्स। So is the ceramic shield really good or bad? I don't know, but Apple claims it is good. So अगर आप उस पर ट्रस्ट करना चाहें और अगर आप उसके ऊपर अपना प्रोटेक्टर ना लगाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि आप MKBHD की वीडियो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनके ख्याल में उनके फ़ोन के ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही स्क्रैचेस पड़े हैं जैसे कि उनके दूसरे फ़ोन्स के ऊपर पड़ते रहे हैं। एंड एप्पल हैज़ वेरी फेमसली सेड कि 5G इज़ रियल नाउ। यार 5G हैज़ बीन रियल फॉर सो मच टाइम, आपके फ़ोन में अभी एड्स का ये मतलब नहीं कि 5G जो है वो रियल है। हाँ ये मैं बात मानता हूँ कि एप्पल इज़ कवरिंग मोर बैंड्स ऑफ 5G। So apart from the fact that Apple is covering more bands, there is nothing significant that we should talk about when we talk of the 11 Pro Max in relation to the 5G. और फाइनली अब बात आ गई कीमत की। iPhone 12 Pro Max की इसकी कीमत जो है $1200 है एंड दैट इज़ दी एक्स एप्पल प्राइस, दैट इज़ नॉट द प्राइस एट विच यू आर गोइंग टू गेट इट। क्योंकि अमेरिका में क्या है कि हर स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेज होते हैं, तो कहीं पे 5% है, कहीं पे 6% है, मैंने 12% तक वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये फ़ोन बेसिकली $1200 का तो मिलता नहीं है, ये तकरीबन आपको मिलता है $1300 के आसपास का, 1250 से लेके और 1320 तक ये आपको कहीं भी मिल सकता है। सो अगर हम ट्रांसलेट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये 2 लाख से ऊपर ही मिलेगा आपको, 2,05,000 इसकी मिनिमम शायद आपको प्राइस मिलेगी, इसे ऊपर ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेज हैं। आपने क्रेडिट कार्ड से अपने से पे किया तो उसके ऊपर और टैक्सेज हैं, तो मेरा ख्याल है तकरीबन 2,20-2,25 के आसपास इसकी कीमत पहुँच जाती है। इज़ द फ़ोन रियली वर्थ इट? अगर हम क्वालिटी की बात करें, मेक की बात करें, फ़ोन के एक्सपीरियंस की बात करें, फ़ोन के स्पीकर ग्रिल्स की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, तो हर चीज़ वाकई क्वालिटी की है ज़रूर, लेकिन क्या आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए? मेरे ख्याल में ये असली सवाल है। और इस सवाल का जवाब है कि अगर आप वाकई कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते तो आपको इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। 12 मिनी मेरे ख्याल में आपको 64 GB का मिल जाएगा तकरीबन 130 के आसपास का, और अगर आप 128 GB का लेना चाहें तो दैट वुड बी अराउंड 150। मैं आपको एक राउंड अबाउट कीमत बता रहा हूँ, दीज आर नॉट द एक्सैक्ट प्राइसेस, एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट मच ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी और आपको एक एक चीज़ का इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप 12 लेना चाहते हैं तो आई थिंक द बेस्ट बार्गेन यू आर गोइंग टू हैव इज द आईफोन 12 मिनी। एंड इफ़ यू वांट द बेस्ट बैंग फॉर योर बक और आप ये चाहते हैं कि आपने लेना भी आईफोन 12 सीरीज का फोन है और ऐसा लेना है जो कि आपको पैसों के अंदर आपको चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो देन दैट वुड बी आईफोन 12 प्रो। तीनों कैमराज, हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट बाय। और अगर आपके पास पिछले साल का आईफोन 11 सीरीज का फ़ोन कोई भी है, स्पेशली इफ़ यू हैव 11 प्रो मैक्स, डोंट बाय इट। कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि यार आप इतने पैसे खर्च कर डालें। इसके बेजल्स फ्लैट हैं, सीधे हैं, मुझे बहुत पसंद है। कुछ को पिछले साल के राउंडेड बेजल्स पसंद है, लेकिन दोनों के दोनों बने हुए स्टेनलेस स्टील के हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फिंगर प्रिंट मैगनेट्स। आपके फिंगर प्रिंट ऐसे छप जाते हैं ना पूरी साइड्स के ऊपर, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, स्टेनलेस स्टील है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दीज साइड बेजल्स। और आखिर में लेट्स टॉक अबाउट द कलर। इनिशियली जब ये आईफोन 12 प्रो मैक्स रिलीज हुआ था, एवरीबडी वॉज क्रेजी आफ्टर दिस ब्लू कलर, एंड मी आई एम इन लव विद दिस कलर, मुझे बहुत ही पसंद है यार ये कलर। लेकिन आजकल हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में आई थिंक गोल्ड के लोग ज़्यादा दीवाने हुए जा रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता। सो विद दैट दैट प्रीटी मच एंड्स द रिव्यू ऑफ आवर 12 प्रो मैक्स। आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि वट डू यू थिंक अबाउट दिस फोन, और आप में से कौन कौन लोग 12 Pro Max को खरीदने जा रहे हैं एंड क्यों, वाई आर दे गोइंग टू डू दैट। और अगर आप 12 सीरीज का कोई और फोन खरीद रहे हैं तो विच वन यू आर गोइंग टू बाय एंड ऑल्सो टेल मी द कलर ऑफ योर चॉइस। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज ऑरेंज शॉर्ट्स, I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.